अभी चाय पी रही हूँ, सुबह की नहीं शाम की चाय। बाहर से लेके आया है राजीव, चाय पीने के बाद किचन का काम है। सो सी यू एट द किचन। आज प्रोटीन रिच डोसा बनेगा, उसके साथ जो चटनी बनाने वाली हूँ वो मैं पहले ही बना ले रही हूँ। तेल में सरसों, अनियन और एक क्लोव गार्लिक, जिंजर, ये रोस्टेड ग्राम्स फ्लेवर, मैं डाल दूंगी चॉप टोमेटोज। करी लीव्स, फिर जब भी डाला क्योंकि माइन वन सा ड्राइड करी लीव्स फ्रेश है तो आप मस्टर्ड जैसे क्रैकल हो जाए उसके बाद डाल दीजिए अगर फ्रेश है तो। ये कश्मीरी रेड चिली को मैंने पानी में सोक करके रखा था, मैं इसको मिक्स कर दूंगी। दिस इज फॉर कलर, एक्चुअली रेड कलर सिर्फ टोमेटो से नहीं आता है और ये चिली ना तीखा बिल्कुल नहीं होता है, इट जस्ट गिव अ वेरी रिच कलर। जैसे कुक कर लीजिए जब तक टोमेटो एकदम स्मैश हो जाएगा, देन विल कूल इट डाउन एंड मेक इट इनटू अ फाइन पेस्ट। मैं इधर ग्रीन मूंग में जो ओवरनाइट सोक करके रखी थी उसका एक पेस्ट बना लूंगी, जिंजर, ग्रीन चिली और सॉल्ट डाल के। पानी भी ऐड करना होगा अदरवाइज वो सही से ग्राइंड नहीं होगा। अगर आप अपना कार्ब इंटेक लो रखना चाहते, दिस होल ग्रीन मूंग दाल डोसा इज द एप्रोप्रिएट वन, इट्स हाई इन प्रोटीन। जब तक दाल पीस रहे थे ना ये चटनी भी बन गई है, अब इसको कूल डाउन कर लेंगे क्योंकि जब तक कूल डाउन नहीं होगा वी कैन नॉट ग्राइंड इट। एक्चुअली ये प्रोटीन जो डोसा बनता है ना इसको सर्व किया जाता है विथ कोरमा या ऐसे ग्रीन ऐसे जो चटनी मैं बना रही हूँ इसके साथ आलू नहीं देते। मसाला डोसा भी बनाता है ना तो इन बिटवीन फॉर फिलिंग दे यूज रॉ चॉप्ड अनियन, ग्रेटेड कैरेट, ग्रेटेड बीट रूट्स, टोमेटो छोटा छोटा काट के इसको फिलिंग की तरह अंदर दिया जाता है, बट वो मेरे घर में कोई नहीं खाता। मुझे तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल जैसे आलू ही बनाना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा आलू भी बना लूंगी। ये भी अब तक कूल डाउन हो गया है, मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। चटनी इज ऑल्सो रेडी। मैं ना थोड़ा सा ये रेडी टू यूज टमेरिन पेस्ट ऐड करी हूँ चटनी में। आई टेस्ट इट, इट्स रियली लैकिंग द सावरनेस, वो खट्टा खट्टापन, तो मैं थोड़ा ऐड करूंगी क्योंकि टोमेटो में थोड़ा भी सावरनेस नहीं था। चटनी इज रेडी, आलू भी बना लिया रायन के लिए। Thank you.
दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सर्व। मैं इसी तरह सबके लिए डोसा बना लूंगी। चावल मिक्स नहीं किया है, बट स्टिल आई वांटेड टू शो, ऑयल भी नहीं है, स्टिल इज क्रिस्पी। यूएई में हाउस हेल्पर्स और क्लीनर्स, बीट मेल और फीमेल, आर इजीली अवेलेबल। बट जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स, उसके पहले ऑलवेज हैड मेड, बट अभी मेरे पास नहीं है। इस घर में शिफ्ट होने के बाद से विच एवर हाउस हेल्पर आई हैव गॉट, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था ही। एक मुझे जो मिली थी उसको काम अच्छे से आता था, लेकिन वो कभी भी फोन उठा के आपको बोलेगी भाभी मैं आधा घंटा लेट आ रही हूँ, एक घंटा लेट आ रही हूँ, इसी तरह मुझे पूरा पूरा दिन रुका के रखती थी। ऐसा लगता था कि हाउस वाइफ हूँ तो इतनी वेले हूँ कि वो मुझे 4-5 घंटा वेट करा देती थी। इससे मेरा खुद का शेड्यूल पूरा बर्बाद हो जाता था। I had to change it. Then over here the widely available ones are the male house helpers. So my husband suggested ki aap male hi rakh lo, what to do? Go according with the area availability. Oh my god, wo itna anadi tha. Phir bhi maine usko 7 months kaise rakha tha, I don't know. Mujhe laga tha ki main usko kaam sikha lungi. उसका एक ही प्लस पॉइंट था कि ही यूज्ड टू कम ऑन टाइम और रेगुलरली, बट उतना अनारी कि मैं उसको 7 महीने से काम नहीं सिखा पाई। सो फाइनली आई हैड टू टेल हिम, आई हैड टू स्टॉप हिम बेसिकली। देन आई हायर्ड वन मोर फ्रॉम द एजेंसी। 11:45 रात के 11:45 हो गया है। नाउ आई एम डूइंग द किचन वर्क, क्योंकि राजीव का कुछ फोन में प्रॉब्लम आ गया था, तो वी हैड टू रन टू सैमसंग सर्विस सेंटर। आने के बाद आई मेड डोसा फॉर राजीव एंड ही हैड, के बाद अभी मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। रायन का डिनर हो गया था और मैं भी डिनर करके ही गई थी। तो हम लोगों को लगा था ना कि सर्विस सेंटर में शायद आधा घंटा कि 1 घंटा में हो जाएगा, बट नो, दे केप्ट द फोन, दे टोल्ड दैट इट मिनिमम 5 वर्किंग डेज। तो बिना ऑलमोस्ट 5-6 डेज का राजीव का काम कैसे होगा? ही नीड्स टू हैव कॉन्टेक्ट विद हिज ऑफिस। So he took a budget friendly phone, काम चला हुआ वाला, he had to take one. So, करके आते आते became so late. और आप लोगों को तो पता ही है, खाना बनाने के बाद किचन का वैक्यूमिंग मॉपिंग ये सब बिना करे हो ही नहीं सकते। किचन में आप जितना भी खाना कम बनाओ, किचन तो गंदा हो ही जाता है। Problem with hiring house help through agent is, since we hire it on hourly basis, अगर वो helper is slow और takes her own sweet time, 1 घंटे का काम वो 1 घंटा 15-20 मिनट में लेती है, I don't have a problem, she doesn't have a problem, but the agent does have a problem and will call up and tell that नहीं नहीं आप काम ज़्यादा दे रहे हो, you have to pay more, and it becomes a bitter situation just with her, क्योंकि she is slow, so I'm not going to. Actually ऐसा हो गया था कि आई एम पेइंग बट आई एम द वन हु इज एडजस्टिंग आइदर विद देयर बैड क्वालिटी ऑफ वर्क, विद देयर स्लोनेस ऑफ देयर वर्क, और बिकॉज देयर एंगेज समवेयर एल्स, दे विल कॉल अप एंड मेक मी वेट फॉर देमसेल्व्स। सो आई वाज लाइक नो, इफ माय पेरेंट्स एट दिस एज कैन डू देयर ओन वर्क, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। सो लास्ट 4 मंथ्स मैं खुद ही कर रही हूँ एंड आई एम वेरी रिलैक्स्ड, एंड नॉट ओनली मी, I feel even my husband, my son, everybody is relaxed because whenever maid is coming, oh, we cannot go out because maid is coming now. Kuch na kuch tension, kuch na kuch aata hi rata tha. Ab apne space mein calmly ghar ka sara kaam ho bhi jata hai, tip-top bhi rehta hai. Aur best secret batao, usko jo paisa jata tha na, wo meri shopping money ban gayi hai. To kyun na enjoy karu main apni shopping, extra shopping money? What do you say? So what do you say? अच्छा किया ना, अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा शॉपिंग मनी निकाल लिया। मैंने अपना
अपना वन ऑफ द वीडियोस में, पुराने वीडियोस में कहा था माई हाउस सेल्फ स्वर्णा उसके बारे में. या आई स्टिल मिस हर, बट नाउ रिसेंटली आई एम कन्फर्म कि मुझे वो नहीं मिलेगी, बिकॉज वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है. हस्बैंड वर्क्स हियर एज ए एसी टेक्नीशियन. अब उसका पोस्टिंग दूसरा एमिरेट में हो गया है, सो शी इज गोइंग टू जॉइन हर हस्बैंड देयर इन द अदर एमिरेट. तो इसीलिए उसकी उम्मीद तो गई मेरी. अगर आप हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेंगे ना, तो यू विल सी लाइफ बिकम्स मोर इजियर एंड फन. जैसे मैं घर का काम में अपने शॉपिंग का फायदा निकाल लिया है ना, आई डोंट इवन फील दैट मच एग्जॉस्टेड. हाँ, काम होने से पहले थोड़ा एग्जॉस्टेड, पर जैसे काम खत्म होना, आई जस्ट फील दैट वाओ आई हैव डन इट. और कितना आराम से मुझे नींद भी आती है, क्योंकि आई लव माई हाउस टू बी स्पार्कलिंग एंड स्पॉटलेस. और ये घर को अच्छे से स्पॉटलेस रखना, ये मुझे मेरी नानी और मम्मी से मिला है. आप लोग से बातें करते करते काम भी कंप्लीट हो गया. किचन इज क्लीन, आई एम डन, आई एम रेडी फॉर बेड. गुड नाइट, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो. टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट.